भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति योग्य है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते, उनका मिलना या ना मिलना होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके मिलने से सुख होता है और उनके ना मिलने से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके ना मिलने से सुख होता है और मिलने से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाला तथा अनित्य है। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं, और पदार्थों से होने वाला सुख और दुख भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है, अतः उनको सह लेना चाहिए। अर्थात उनके मिलने या ना मिलने को लेकर सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है।